Hello students, so in this video we are going to discuss the demographic transition theory. Okay, this is the one of the topic of chapter 2nd of world population distribution density and growth of fundamentals of human geography. So let's move on to our next slide and see what it is. So first, as the title is demographic transition theory, okay. Students, you can see that there are three words here in this title: demographic, transition and theory. Okay, first we'll try to understand the meaning of these three words separately, and then we'll come again on discussing what does really mean demographic transition theory, ki demographic transition theory ka actually kya matlab hota hai, and what this theory is about and its characteristics and other related aspects. So the first, we'll understand the meaning of demographics. So demographic ka matlab hota hai bachcho related with population. Okay, aur ye word aaya hai demography se. Theek hai, demography is the scientific study of population characteristics. तो जो पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखिए, जो पॉपुलेशन है कहीं पे भी, हम आप जो भी हैं, क्या सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे नहीं है? ठीक है, कहीं पर कोई पॉपुलेशन है तो वो कहीं ना कहीं वेरी करता है दूसरे पॉपुलेशन से. और अगर आप अपने घर की बात कर लें, ठीक है, घर में ही देखिए कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं. देखिए, ठीक है, आपकी एज जो है थोड़ी कम है, आपके पेरेंट्स की एज जो है थोड़ी ज़्यादा है. ठीक है, आपके सिबलिंग्स होंगे, अगर वो बड़े हैं तो वो थोड़े बड़े होंगे आपसे. ठीक है, छोटे हैं तो और छोटे होंगे आपसे, है ना. सबकी नीड थोड़ी अलग अलग है, है ना. तो पॉपुलेशन क्या है कि एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है, है ना. जो जनसंख्या है, ऐसा नहीं कि उसमें एक ही तरह के लोग हैं. ठीक है, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, है ना. उसमें जो है जन्म हो रहा है लगातार बच्चों का, ठीक है, तो बर्थ हो रहा है. ठीक है, डेथ हो रही है ना, लोगों की मृत्यु भी हो रही है बहुत से कारणों से. ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना, इतना ध्यान रखना है कि लोग मर भी रहे हैं और लोगों का जन्म भी हो रहा है. ठीक है, लिटरेसी, कुछ लोग लिटरेट हैं, कुछ लोग इलिटरेट हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. ठीक है, कुछ लोग मीडियम में हैं, कुछ लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. ठीक है, कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं. ऑक्यूपेशन है ना, सबका जो ऑक्यूपेशन है, मतलब काम जो करते हैं वो सबका एक समान तो नहीं है ना. तो कुछ एग्रीकल्चर करते हैं गाँव में, ठीक है, कुछ सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं. ये देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है, ठीक है, ये कुछ विलेजेस में रहते हैं, कुछ सिटीज़ में रहते हैं, कुछ ये इलिटरेट हैं. जैसे देखिए ये इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन ठीक है, किन्हीं कारणों से ये नहीं पढ़ पाई, तो अभी इतने बड़े होने के बाद ये क्लासेस ले रही हैं. थोड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, ये बेचारे आराम फरमा रहे हैं, और ये जो है मुस्कुरा रहे हैं सोते हुए, है ना. तो ये चिल्ड्रेन जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? बर्थ को. ठीक है, और ये जो सिमेट्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्या, किस चीज़ को? डेथ को. ठीक है बच्चों, और ये लिटरेसी रूरल ये हमने एक्सप्लेन किया. तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक्स. ठीक है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वही डेमोग्राफी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे वन वर्ड आंसर आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पर मैंने अभी आपको लिखे हुए हैं स्क्रीन पर? ठीक है, ये सारे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ट्रांजिशन. ठीक है, तो ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी. तो ट्रांजिशन का मतलब हम देखते हैं कि क्या है. ठीक है, तो ट्रांजिशन का यहाँ देखिए क्या मतलब है? द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेज और कंडीशन टू अनदर. मतलब बदलना, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में. ठीक है, ये जो दो नीचे फोटोग्राफ्स हैं बच्चों, इससे आपको समझ में आ जाएगा. सपोज आप अपनी ही लाइफ को ले लो. ठीक हो, देखिए आप जो है आज से 10 साल पहले कुछ इस तरह के होंगे, है ना, घुड़कते होंगे फर्श पर, है ना. फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर ये छोटे से बॉल से आप खेलने लगे. ठीक है, फिर थोड़े और बड़े हुए, है ना, फिर ये क्रिकेट बॉल आ गया आपके हाथ में. फिर थोड़े और बड़े हुए, देखिए स्टाइल से फिर खड़े होने लगे आप, है ना. फिर और थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा और स्टाइल आपने दिया, है ना, बिल्कुल इस तरह से. और फिर जो है आप थोड़े और मैच्योर हो गए, है ना. तो उसी को देखिए यहाँ पे, या इसको हम मान सकते हैं ओल्ड, है ना. फिर आप जो है बूढ़े हो गए.
तो उसी को यहाँ पे है ना थोड़ा सा अलग कैरेक्टर में दिखाया गया है, ये आप हैं एकदम बिल्कुल जब आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। फिर थोड़े से बड़े हुए आप है ना, देखिए आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, थोड़ी अलग है ना, इस तरह के पैंट आप पहन रहे हैं, ये देखिए आप जो है स्टाइल से खड़े हो रहे हैं ना, और अब देखिए अब एक और स्टाइल बढ़ गया है ना, देखिए है ना हेयर स्टाइल चेंज हो गया है, यहाँ तो बाल ही नहीं है, ठीक है यहाँ पे है। तो ये क्या है, मतलब आप एक स्टेज से सेकेंड स्टेज, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, है ना इस तरह से, ये फर्स्ट स्टेज है, थोड़ा बच्चे हो आप, यहाँ से यहाँ तक हम मान सकते हैं एक स्टेज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान सकते हैं सेकेंड स्टेज, फिर आप ये बड़े हो गए हैं ना तो ये हो गया थर्ड स्टेज, फिर ये जो है फोर्थ स्टेज, ये स्टेज कम भी हो सकते हैं ज़्यादा, मतलब समझाने के लिए है कि बस क्या हो रहा है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो रहे हो, है ना। तो पॉपुलेशन, तो ट्रांजिशन का मतलब इस यहाँ पे यही है ना, कि जो कोई भी चीज़ है ना, अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं है ना, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर वो चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपने कौन से कपड़े पहने हैं, यहाँ पे दूसरे तरह के, यहाँ पे तीसरे तरह के, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो शूज़ हैं आपके अलग डिज़ाइन के हैं, देखिए यहाँ पे थोड़े और स्टाइलिश हो गए है ना, यहाँ पे शूज़ हैं ही नहीं, है ना। तो आप तो उसी तरह से जब पॉपुलेशन भी जो है टाइम के साथ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, और तब जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, ठीक है। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, रूरल, अर्बन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन की भी क्या होती हैं, टाइम के साथ बदलती हैं किसी एरिया की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थियोरी पे, थियोरी का क्या मतलब होता है, ठीक है। हालांकि बुक में थियोरी नहीं लिखा हुआ है लेकिन डिस्क्रिप्शन में है लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन उसका मतलब वही है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, क्योंकि उस मॉडल को एक्सप्लेन किया है। थियोरी मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ आइडियाज विच ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। तो ये थियोरी का मतलब क्या है कि कुछ चीज़, जैसे कि अगर चेंज हो रहा है ना, अगर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा, रीजन बताना, ठीक है, वो क्या होता है, थियोरी का काम होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी पे अब आ जाते हैं, ठीक है, तीनों का मतलब हमने समझ लिया, डेमोग्राफिक का, ट्रांजिशन का, थियोरी का। तो अब जो है कंबाइंड रूप से हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी का मतलब क्या है। सो द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी और नेशन चेंजेस विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, जैसे कि आप चेंज हो रहे हो ना, पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, आपकी नीड, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये क्या एक्सप्लेन करता है, द थियोरी एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस, देखिए चेंज हो रहा है कहाँ से, किस चीज़ से, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, सिंपल से समझते हैं कि जैसे जैसे कोई भी नेशन, ठीक है, कोई भी देश, ठीक है, हम कंट्री लेवल पे बात करेंगे, नेशन के लेवल पे बात करेंगे, जैसे जैसे वो इंडस्ट्रियलाइज होता जाता है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम होने लगता है, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग काम करने लगते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है, और धीरे धीरे रूरल एरिया से शहर की तरफ लोग मूव करने लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहने लगती है। तो जब ये चेंज होता है ना, कि ज़्यादा लोग रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा कहाँ पे रहने लगे हैं, शहरों में, सिटीज़ में रहने लगे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो, इंडस्ट्रियल वर्क होने लगे, ठीक है, तो ये टाइम के साथ ही होगा, धीरे धीरे ही होगा ना ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है कि उस नेशन के जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम में देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि पहले सोसाइटी कैसी थी,
किसी नेशन की, हम नेशन की बात कर रहे हैं, रूरल थी और एग्रेरियन, मतलब पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेशन के कहाँ पर रहते थे, विलेजेस में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, और मैक्सिमम लोग किस तरह की एक्टिविटी करते थे, एग्रेरियन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर करते थे, यहाँ देखिए एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये विलेजेस में रहते थे। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, वो ट्रांजिशन हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, किसमें, अर्बन में, ये देखिए सिटीज बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आकर रहने लगते हैं, ठीक है, और खेती की जगह, एग्रीकल्चर की जगह क्या होने लगता है, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम होने लगता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रूरल ट्रांजिशन हो गया, बदल गया किसमें, अर्बन में, और एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है किसमें, इंडस्ट्रियल में। तो जब कंट्री इस तरह के प्रोसेस को अपनाती है ना, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टर, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, ये क्या होते हैं, इनमें भी परिवर्तन आता है। तो उन्हीं को देखेंगे हम आगे, एक और ग्राफ है उसमें। तो ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, किसका, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, कि कैसे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों हम यहाँ पे दो ही चीज़ लेंगे, एक लेंगे हम बर्थ रेट और दूसरा लेंगे हम डेथ रेट, ठीक है, DR। तो देखिए बच्चों, ये जो वर्टिकल एक्सिस है हमारा, इस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, CVR, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के वैल्यूज को, ठीक है, और इधर हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, टाइम को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले है ना, पहले जो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, देखिए बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, कितना, 35 के आसपास, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये देखिए डेथ रेट क्या होता है, ये धीरे धीरे धीरे, ये का धीरे धीरे नहीं, सॉरी, ये शार्पली डिक्रीज होता है, कौन सा, डेथ रेट। और देख उसके बाद बर्थ रेट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बर्थ रेट, जो ये अपर लाइन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये जो है इंक्रीज ही रहता है काफ़ी, और सेकेंड स्टेज में बाद में है ना, लेटर जो है फेज इसका, उसमें जाके ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और थर्ड स्टेज की हम बात करें, तो देखिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों कहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए 15 के आसपास है ना, 15-16 के आसपास। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट कितना था, 35, ठीक है, और थर्ड स्टेज में वो कितने पे आ गया, 15 पे, ये देखिए है ना, 15 पे, यहाँ पे इस लेवल पे। तो क्या हो रहा है, देखिए पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है कि नहीं, डेथ रेट और बर्थ रेट 35 से लेकर थर्ड स्टेज में 15 पे आ गया, मतलब कम हो गया है ना, हाई बर्थ रेट से, हाई डेथ रेट से वो आ गया यहाँ पर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, है ना, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और ये जो थियरी है, ये जो मॉडल है, ये जो ग्राफ है जो इसको एक्सप्लेन करता है, इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, ठीक है, उसको हमने समराइज किया है नेक्स्ट स्लाइड पे इन अ डायग्राम, इन अ टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये है पहला स्टेज, ये है दूसरा और ये है तीसरा, ठीक है बच्चों। और इनमें कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, कि इस स्टेज में, इस स्टेज में कौन कौन से जो कंट्री हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किन किन कंट्रीज में अभी जो है उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड स्टेज मतलब लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स किस कंट्रीज में हैं, ठीक है, वो उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, मूव करते हैं, ये हमारा टेबल है, इस पे हमने समराइज किया है हर एक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, स्टेज फर्स्ट में बर्थ रेट क्या है बच्चों, हाई, ठीक है, हमने अभी देखा। डेथ रेट भी क्या है, हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब डेथ रेट भी हाई है, मतलब लोग कम जी पा रहे हैं ना, उनकी उम्र कम है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि कितने, उनकी उम्र कितनी है बचने की, है ना। अगर ये ज़्यादा होगी इसका मतलब वो ज़्यादा दिनों तक जिएंगे, ये कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब वो कम समय में लोग मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लो है, क्योंकि देखिए डेथ रेट क्या है, हाई है, इसका मतलब कम उम्र में ही वो मर जा रहे हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऑब्वियसली लो होगा बच्चों, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा, जन्म हो रहा है लेकिन ज़्यादा लोग मर भी जा रहे हैं ना, तो दोनों कैंसिल करते रहे एक दूसरे को, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लो है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा बच्चों कि मोस्टली इन एग्रीकल्चर, फर्स्ट स्टेज में क्या है, ज्यादातर लोग क्या एग्रीकल्चर करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही लो है, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो है। रीजन्स ऐसा क्यों, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है बच्चों, लिटरेसी लेवल कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, कई तरह की बीमारियां, एपिडमिक्स उस समय फैल जाती थी जिसका वैक्सीनेशन, दवाइयां, मेडिसिन उस समय नहीं थी। वेरिएबल फूड सप्लाई, ठीक है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए उतना कोई सिस्टम नहीं था। अगर ड्रॉट आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसकी वजह से जो है एक भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती थी। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाले अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है। रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, जैसे कि आप अमेजोन एग्जांपल ले लो, रेन फॉरेस्ट है वो, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट वो डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर जो ट्राइब्स रहते हैं उनकी हालत यही है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, ऐसा ना तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, ना एजुकेशन है, और उसकी वजह से वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और उनका बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टाइप्स हैं, यू नो क्या कहते हैं उसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो ये रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन वो भी बहुत पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेज सेकेंड पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बर्थ रेट बहुत हाई है बच्चों, है ना, देखिए बर्थ रेट यहीं पे है ना, बर्थ रेट नीचे नहीं आया, बर्थ रेट वाला जो ये ग्राफ है वो नीचे नहीं आया है, ठीक है। डेथ रेट वाला बिल्कुल शार्पली डिक्रीज हुआ है, देखिए बिल्कुल नीचे आ गया है ना, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेज है वो किस चीज़ का स्टेज है, ये है बर्थ रेट हाई, डेथ रेट डिक्लाइनिंग, घट रहा है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीडियम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी हाई, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से इस स्टेज में पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ वेरी हाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन लो है, यहाँ पे वेरी लो था, यहाँ पे लो है, ठीक है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मीडियम, इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा और इससे कम। रीजन्स, थोड़ा हेल्थ फैसिलिटी इसमें इम्प्रूव होता है बच्चों, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आती है, ठीक है, और बर्थ रेट तो खैर हाई है ही, ठीक है, और तो मृत्यु दर में चूंकि कमी आ रही है, डेथ रेट है ना, जो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बच जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैक्सीनेशन है, हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है, लिटरेसी भी इम्प्रूव हो गई है, तो अवेयरनेस जो है लोगों में बढ़ गया है थोड़ा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें पेरू हो गया है गलती से, ठीक है, ये बस पेरू होगा, ठीक है, पेरू, श्रीलंका एंड केन्या, ये हैं इस स्टेज के एग्जांपल। अब लेते हैं स्टेज थर्ड, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बर्थ रेट भी लो हो जाता है, डेथ रेट भी लो हो जाता है, ठीक है, जो बच्चों का जन्म है वो भी कम हो रहा है, और लोगों की जो डेथ है वो भी कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डेथ रेट लो है, इसका मतलब लोग ज़्यादा दिनों तक जी पा रहे हैं, ठीक है, उनकी उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग स्टेबल, मतलब ना ज़्यादा बढ़ रही है ना ज़्यादा घट रही है, एकदम स्टेबल है, आसपास ही थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स जो है हर एक ईयर जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला नहीं है, पॉपुलेशन में ज़्यादा ग्रोथ जो है नहीं हो पाता है, वो स्टेबल ही लगती है, मतलब जितनी है उसी के आसपास पॉपुलेशन है। टर्सियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस स्टेज में क्या होता है बच्चों कि जो टर्सियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, सर्विसेज, वो उसमें लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन वेरी हाई, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट लिविंग इन अर्बन एरियाज इन दिस स्टेज। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों वेरी हाई हो जाता है थर्ड स्टेज में, और क्यों ऐसा हुआ, बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, इसका कारण क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं रीजंस, तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस बच्चों इस स्टेज में काफ़ी बढ़ जाती है, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी है, तो उससे क्या होता है कि लोग अपना करियर बनाने में, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ करने में जो है ज़्यादा टाइम देते हैं,
डिले मैरिज करते हैं, ठीक है, मैरिज की जो उम्र है वो काफ़ी थोड़ा सा लेट मैरिज करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो हमारे इस पे बर्थ रेट और डेथ रेट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएंगे कैनेडा, यूएसए एंड जापान, बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे रख रहे हैं, वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको यहाँ पे इंक्लूड करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो उन्हीं एग्जाम्पल को देखना है जो बुक में दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि पॉपुलेशन जो अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं और लोगों को करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, कुछ मिनट का होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, ठीक है, और अच्छे से रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें घर पर। थैंक यू।